ये सब सवाल यहाँ पे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे सवाल तीन दिए हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे सवाल है एक दो, और यहाँ हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे चार सवाल है। एक बार यूजफुल रिजल्ट है जो हम लोग के सिलेबस में है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यही लिखा है सिग्मा एन 1 to n लिमिट्स बोलते हैं। ये तरीका से हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हम मीन कर रहे हैं 1+2+3+ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम कहें कि करके बताइए। तो इसका सम बहुत आसान है क्योंकि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, 1 में 1 ऐड किया गया, फिर 1 ऐड, फिर 1, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस का सम तो हम लोग ऑलरेडी रटे हुए हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 2, 3, 4, 5, सब टर्म का वैल्यू अलग अलग है, बढ़ता जा रहा है, बट एक एवरेज वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से, वही लिखा है n इंटू एन प्लस 1/2, जो हम लोग को याद रखना है ये फॉर्मूला, प्रूफ कोई नहीं पूछेगा आपसे, अगर कभी हम ऐसा कहीं आवश्यकता हो सिग्मा एन का वैल्यू बताइए 1 to 50, तो आप यानी फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम बताइए, तो आप तुरंत उस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे 50 into 51/2 आंसर, इसको कैंसिल आउट कर दें 25, आप 25 को 51 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी नंबर आएगा। अगर हम आपसे कहें कि सम बताइए 10 से लेकर 40 तक का नेचुरल नंबर्स का सम, 10+11+12+, तो आप उस फॉर्मूला को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले 1 टू 40 तक का सम कर लें और उसमें से घटा दें 1 टू 9 तक का सम, ऐसे लिखते हैं सिग्मा एन यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 40। अब इसके लिए फॉर्मूला है मेरे पास स्ट्रेट अवे, 1 से लेके n तक के लिए फॉर्मूला है, 1 से लेके 40 तक का सम 40 into 41/2, और उसमें से हम 1 से लेके 9 तक का सम सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 into 10/2, दैट्स द आंसर। दूसरा फॉर्मूला है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स, यानी हम कभी लिख गए 1² + 2² + 3² + 50² तक सम करके वैल्यू बताइए, या संक्षेप में लिख दें सिग्मा एन एन वेरीज फ्रॉम 1 to 50 का जवाब बताइए, यानी आपको फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करके ऐड करके जवाब बताना है। अभी प्रूफ हम लोग नहीं देंगे क्योंकि ये कोई अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है, 1, 4, 9 यहां अंतर है 3 का, यहां अंतर 5 का, 11, 16 यहां अंतर 7 का, तो ये कोई अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है कि डिफरेंस कॉमन है, ना ही ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, 4/1, 9/4, 16/9 सेम रेशियो में नहीं बदल रहा है सब टर्म्स, तो ना ही ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, हम सिर्फ 2 फॉर्मूला रट रहे हैं, अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा या अरिथमेटिक सीक्वेंस तो हम उस सीरीज को ऐड करके उसका आंसर बता देंगे, वी हैव अ फॉर्मूला फॉर बोथ, लेकिन उसके अलावा कोई सीरीज में हम देंगे ही नहीं आपको, जब हम पढ़ा ही रहे हैं सिर्फ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक, तो हम सवाल भी देंगे सिर्फ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक, तो हम आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इसका सम करके बता दीजिए कि क्या होगा या प्रूफ कर दीजिए कि ये इतना होगा, जैसे इसका प्रूफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस था जिसका फर्स्ट टर्म 1 था, लास्ट टर्म n था, लेकिन इस सीरीज का सम हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप प्रूफ करके हमको दिखाइए, बिकॉज आई हैव नॉट टॉट, आपको पढ़ना भी नहीं, आपको सिर्फ ये याद करना है इसका रिजल्ट। हाँ, इसका प्रूफ अगर आपको देखने का मन हो तो मेरा किताब खोल सकते हैं, उसमें एक सवाल के रूप में है इन तीनों का प्रूफ, आपको ये रिजल्ट याद रखना है n into n+1 into 2n+1/6। यहां देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये सेकंड डिग्री है, n² + n, और ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है, एंड सिग्मा एन क्यूब का जो फॉर्मूला आता है वो इसी फॉर्मूला का होल स्क्वायर है, सो इट इज इजी टू रिमेंबर।
एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, और ये फोर्थ डिग्री है, ये क्वाड्रेटिक है, एन स्क्वायर प्लस एन सेकेंड डिग्री इन एन का होल स्क्वायर कीजिएगा तो बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा एन में। ये तीनों फॉर्मूला आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको याद है, जब कभी जरूरत हो तो हम यूज करेंगे। चलिए ना कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को देखे बना करके। एक अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन है, उसका फर्स्ट टर्म दिया है ए, लास्ट टू टर्म्स दिया है बी सी, ए है कॉमा समथिंग 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 कॉमा अंतिम दो टर्म बी सी, कितना टोटल टर्म्स है नहीं दिया है, क्या कॉमन डिफरेंस है नहीं दिया है, लेकिन पूछा है सम निकालिए। कोई भी अरिथमेटिक सीरीज समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग करने के लिए कह रहा है तो इसका सम हम अगर लास्ट टर्म सी है अब फर्स्ट टर्म मालूम हो तो हमको एक ही चीज और चाहिए कि कितना टर्म्स है। तो दिमाग को फोकस कीजिए कि मेरे पास फॉर्मूला के अनुसार फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे टू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स यही आंसर होगा, ये नहीं पता, यानी कि अब कॉन्सेंट्रेट करना है कि हम एन कैसे ढूंढेंगे, मतलब कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। लेट मैथमेटिशियन हमेशा जीवन वहीं से शुरू करता है, लेट मान लिया जाए कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, देखिए तो हाँ जब कोई भी दो सक्सेसिव टर्म दे दिया है तो इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस दिख रहा है सी माइनस बी, कोई भी दो टर्म आप दे दीजिए अगल बगल तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस दिख रहा है सी माइनस बी। अगर मान लें कि सी एनथ टर्म है तो सी बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स कॉमन डिफरेंस, बस एक ही क्वेश्चन लिखे एन का वैल्यू निकल गया और वहां डाल देंगे प्रॉब्लम सॉल्व, एन का वैल्यू निकालते हैं एन बराबर, ये लीनियर इक्वेशन है एन में, लीनियर इक्वेशन इन इन एन का मतलब समथिंग इनटू एन प्लस समथिंग बराबर जीरो, इस टाइप के इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर, लीनियर इन एन। सी माइनस ए डिवाइडेड बाई सी माइनस बी एन प्लस वन इक्वल टू ऊपर में हो गया टू सी माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस बी, इसी को यहां डाल दीजिए एंड यू हैव द आंसर। यहां सवाल में लिखे हैं कि कोई अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसका एमिथ टर्म दिया हुआ है एक नंबर वन बाई एन और एनिथ टर्म दिया है वन बाई एन, कहता है फाइंड द एमिनिथ टर्म एम इन टू एन, थर्ड टर्म दे रहा है एक बटे पांच है, फिफ्थ टर्म एक बटे तीन है, तो थ्री इंटू फाइव फिफ्टींथ टर्म ढूंढिए, और आपके आंसर में सिर्फ m और n बस इसके अलावा कुछ नहीं लिखना चाहिए। कोई अरिथमेटिक सीक्वेंस है और उसका कोई एक टर्म है जो खोजने बोल रहा है, कोई टर्म खोजने बोलिएगा तो हमको फर्स्ट टर्म मालूम हो तो हम और कॉमन डिफरेंस मालूम हो तो हम कोई भी टर्म बता दें, आप चाहे 15th टर्म पूछिए चाहे 16th पूछिए चाहे 217th पूछिए, तब तक नहीं बता पाएंगे हम जब तक कि हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं जाने, यही सीखे तो वहीं से शुरू करते हैं। लेट मान लें इसका फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है डी, दो अननोन है, अगर इन दोनों का वैल्यूज हमको मालूम हो जाए तो हम अपने सवाल का जवाब दे देंगे। दिस टर्म को हम ऐसे लिखेंगे ए एम एन, जैसे ए टू ए थ्री थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ए एम एन इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एम एन माइनस वन टाइम्स, यही जवाब होगा, पर हमको ए और डी का वैल्यू ढूंढना होगा पहले, दो अननोन है उनका वैल्यू ढूंढने के लिए हमको दो डेटा चाहिए ताकि हम दो इक्वेशन लिख पाए इन ए एंड डी, यानी अब एक इक्वेशन नहीं एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 7 ये एक इक्वेशन है जिसमें दो अननोन है x और y, इस इक्वेशन को कहें कि सॉल्व करके x और y का वैल्यूज ढूंढिए, आप नहीं ढूंढ पाएंगे,
क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकता है। देखिए हम एक सॉल्यूशन ढूंढ के दिखाए आपको, x बराबर जीरो डाल दिए और y का वैल्यू ढूंढ दिए जो इसको सेटिस्फाई करता, दूसरा ढूंढ दिए x की जगह 1 डाल दिए और y का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। ऐसा जितना बोलिए हम ढूंढ के दिखा देंगे आपको, केवल इतना ही करना है कि इसमें से जो दो अननोन है उसमें किसी एक अननोन का वैल्यू आपको जो मन से मान लीजिए इंडिपेंडेंट, और दूसरे अननोन का वैल्यू अब सॉल्व करके ढूंढिए डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट चॉइस। अगर हम एक और इक्वेशन दे दें, अब कहें कि ऐसा एक्स वाई ढूंढिए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता, तो हम कहते हैं कि मेरे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, टू अननोन्स टू इक्वेशंस। अब हम सॉल्व करके ऐसा एक जोड़ा नंबर ढूंढ देंगे यूनिक जो दोनों को सेटिस्फाई करता। तो अगर हमको दो अननोन है जिसका वैल्यूज ढूंढना है तो आई विल नीड टू इक्वेशंस। दो बात भी तो बोला हुआ है, ये बात अंग्रेजी में बोला हुआ है, द mth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 1/n एंड द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 1/n। इसी बात को हम लोग अपनी भाषा में लिख लेंगे, यही ना सीखा है अंग्रेजी को कैसे हम अनुवाद करेंगे मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स इज जस्ट अनदर लैंग्वेज इन अवर लाइफ। जिसे संस्कृत सीखे हम सब, अंग्रेजी और हिंदी तीन भाषा सीखे हैं, संस्कृत तो भूल जाएंगे क्योंकि बोलते नहीं है तो भूल जाएंगे, स्कूल में सीखा है, बट अंग्रेजी हिंदी याद रह जाएगा जिंदगी में। और इन सब भाषाओं से कई गुना ज्यादा पोटेंट ये भाषा है मैथमेटिक्स। हमारे साथ आपको सीखना क्या है, सिर्फ बस यही अनुवाद, इंग्लिश में ट्रांसलेट, हिंदी में अनुवाद। हमको यही बताना है कि कैसे हम इस बात को अपने भाषा में ट्रांसलेट करें, दैट्स ऑल। द मोमेंट आप किए मेरा काम समाप्त हो जाता है। तो हम अगर मान ले फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस डी, तो इस बात का मतलब है ए प्लस एम माइनस वन टाइम्स डी का वैल्यू दिया हुआ है इतना। एक लीनियर इक्वेशन है इन टू अननोन्स, समथिंग इन टू ए प्लस समथिंग इन टू डी बराबर समथिंग ए एक्स प्लस बी वाई बराबर। दसवां क्लास में हम लोग सीखे लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी का वैल्यू 1 बाई एम है। वी हैव टू इक्वेशंस, टू अननोन्स। एक मैथमेटिशियन को अब इसके बाद कुछ करने का जरूरत नहीं है, वो अब कन्विंस्ड है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। a और d का वैल्यूज निकालना है एंड फाइनली जो आंसर है mnth टर्म, यहां a का वैल्यू और d का वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें m माइनस एन टाइम्स डी, इधर 1 बाई एन माइनस 1 बाई एम, ए कैंसिल आउट हो गया, d का वैल्यू निकल गया। हम दो इक्वेशन में से एक अननोन को एलिमिनेट किए, ये दसवां क्लास में हम लोग सीखा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तीन मेथड में से एक मेथड है ये, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो हम एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके एक को एलिमिनेट कर दिए, अब एक इक्वेशन बन गया सिर्फ एक अननोन में, और अब ये m माइनस एन बाई एम एन, एम माइनस एन कैंसिल आउट हो गया और कॉमन डिफरेंस निकल गया 1 बाई एम एन। अब किसी एक में डाल दीजिए और a निकाल लीजिए और फिर वहां पुट कर दीजिए। एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, a और b दो रियल नंबर है और उनके बीच में n अरिथमेटिक मीन्स इंट्रोड्यूस करना है, मतलब a1, a2, a3, डॉट 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 an, ऐसा n नंबर्स इंट्रोड्यूस करना है n, सच दैट ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस फॉर्म करे, और उनका सम हमको बताना है, फाइंड सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, इनका सम पूरे का नहीं, यानी कि अब टोटल कितना टर्म्स यहां पे हो गया, एन दो और, टोटल एन प्लस टू टर्म्स हो गया। हमको निकालना है इनका सम, ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन। ये निकालने के लिए हम सोचे हैं पहले सबको जोड़ देते हैं, ए प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन प्लस बी, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ए प्लस बी,
ये सब हम तुरंत बता सकते हैं क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस टू है मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे टू। इस पूरे सीरीज का सम तो बता सकते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इतना है और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं a प्लस बी को। प्रॉब्लम सॉल्व। जीपी में कुछ सवाल है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी। हाँ, वो अलग से हम लोग सीखे थे, बड़ा महत्वपूर्ण बात कि अगर कभी किसी सवाल में तीन नंबर जीपी में है और हमको मानना पड़े, मैथमेटिशियन को तो मानना पड़ता है ना लेट, तो हमको कैसे चॉइस करना चाहिए, ए ए आर ए आर स्क्वायर, ऐसा चॉइस नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ए वाई आर ए एंड ए आर। अगर कभी चुनना पड़े थ्री नंबर्स इन जीपी तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इक्वल्स 27। ये पहला एक स्टेटमेंट है अंग्रेजी में, हम उसको ट्रांसफॉर्म कर लिए मैथमेटिक्स में, दिस इंटू दिस इंटू दिस, पहले लेट कर लिए, लेट थ्री नंबर्स इन जीपी डी, देन पहला स्टेटमेंट को इस तरह से लिखे, आर कट गया, ए क्यूब बराबर 27, यानी ए का वैल्यू 3 हो गया, यानी तीनों नंबर 3 बटे आर, 3 और 3 आर, यहां तक हम समझ गए। अभी भी एक अननोन बाकी है, तो एक और बात होगा, नहीं तो ये सवाल में कुछ पूछ ही नहीं सकते हैं जब तक दो बात नहीं बताइएगा। दूसरा बात लिखता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर पेयर्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर पेयर्स, यानी इनका जोड़ा जोड़ा बना के गुना करें और उनको ऐड करें। अंग्रेजी में है, हिंदी में बोल दिए, ए बी सी तीन संख्या अगर है, ए बी सी, ए गुने बी एक जोड़ा, बी गुने सी एक जोड़ा, और सी गुने ए, बस तीन जोड़ा बनेगा। इन तीनों का जो सम है वो कहता है 39। करते हैं, दिस इंटू दिस 9 बाई आर, दिस इंटू दिस 9, और दिस इंटू दिस 9 आर, इन तीनों का सम किसी ऑर्डर में लिखिए, दिस इंटू दिस किए, दिस इंटू दिस किए, दिस इंटू दिस, इनका सम कहता है 39। उसके बाद कहता है कि आप उन तीनों नंबर्स को ढूंढ दीजिए, तो ढूंढ दिए। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ये 9 बाई आर प्लस 9 आर, 9 माइनस 9 ऐड कर दिए दोनों तरफ, अब हम थ्रू आउट आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 आर स्क्वायर इधर 30 आर होगा और प्लस 9 एक इधर होगा, 30 आर माइनस 30 आर ऐड कर दें, एक क्वाड्रेटिक बन गया आर में, और हम सॉल्व करके आर का वैल्यू ले आएंगे, 30 प्लस माइनस 900 माइनस 4 AC, 9981 into 4, 324 by 18, ये 576, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है 24 का, तो हम इसको 24 लिख दिया, और एक नंबर आया 30 माइनस 24, 6 by 18, और एक आया 30 प्लस 24, 54 by 18, कॉमन रेशियो 2 आया, यानी 2 पॉसिबल आंसर है। अगर आर के जगह हम 1/3 लें तो 9, 3 and 1, और आर के जगह अगर 3 लें तो 1, 3, 9, यही 2 पॉसिबल सीक्वेंस है, उसी को पलट के खाली दूसरा सीक्वेंस पॉसिबल है। यहां एक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे सवाल है, एक सीरीज दिया है, ए गुने ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए स्क्वायर गुने ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब गुने ब्रैकेट में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इन्फिनाइट टर्म्स तक ऐड करना है, यानी एक इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं इसको है। इसमें कुछ जानकारी दिया हुआ है कि ए और बी जो दो रियल नंबर है, मैग्नीट्यूड में एक से छोटा है, ए भी और बी भी,
हम सीरीज के बारे में आपको बताए हैं कि इनफाइनाइट टर्म्स तक किसी सीरीज को जोड़ने के लिए सिर्फ तभी बोल सकते हैं जब वो कन्वर्जिंग नेचर का सीरीज हो। कन्वर्जिंग का मतलब जिनका जो सक्सेसिव टर्म्स है वो मैग्नीट्यूड में छोटा और छोटा और छोटा होता जाए, और इवेंचुअली जब जैसे जैसे एन का वैल्यू लार्ज होता जाए टर्म का वैल्यू धीरे धीरे जीरो की तरफ अप्रोच करे। ऐसे सीक्वेंसेस को हम लोग कन्वर्जिंग सीक्वेंस बोलते हैं। उन्हीं का सिर्फ हम इनफाइनाइट टर्म्स तक कह सकते हैं कि ऐड करके बताइए मीनिंगफुल है, अदरवाइज अगर कोई डाइवर्जिंग सीक्वेंस है तो इसका इनफाइनाइट टर्म्स तक एडिशन हैज नो मीनिंग, वो एक अनबाउंडेड नंबर है बिना सीमा के। तो अगर आपको हम कोई भी सीरीज देते हैं कि ऐड कीजिए इनफाइनाइट टर्म्स तक, और चूंकि आप दो ही सीरीज पढ़े हैं अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक, अरिथमेटिक सीक्वेंस कभी भी कन्वर्ज नहीं करता है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कन्वर्ज करता है सिर्फ एक पर्टिकुलर केस में, अगर उसका कॉमन रेशियो मैग्नीट्यूड में एक से कम हो तो ये ए आर स्क्वायर ये सब साइज में छोटा होता जाए, और तब वैसे स्थिति में आप उसका इनफिनाइट टर्म्स तक ऐड कर सकते हैं, और करने पर 1 - r^n / 1 - r (lim n) अप्रोचिंग इंफिनिटी, ये फॉर्मूला था n टर्म्स तक के सम के लिए। और इनफिनाइट टर्म्स तक अगर ऐड करना है तो ये धीरे धीरे ये टर्म छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे आप लार्ज एंड लार्ज नंबर टर्म्स को आप ऐड करते जाइएगा ये टर्म धीरे धीरे शून्य की तरफ, एंड इवेंचुअली हमारा फॉर्मूला शेष रह जाता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 - कॉमन रेशियो। यानी कभी भी आपको सवाल में हम दें एक इनफाइनाइट सीरीज तो आप निश्चित रूप से समझ जाइएगा कि वो एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, क्योंकि आप कुछ और पढ़े ही नहीं है। दी ओनली इनफाइनाइट सीरीज जो आप पढ़ रहे हैं इट इज ज्योमेट्रिक, जिसका कॉमन रेशियो मैग्नीट्यूड में एक से कम होना चाहिए, इसका सम चाहिए। तो हम इसको S लिख दें, S इक्वल टू, फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, फिर इसके नीचे इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे। अभी नहीं दिख रहा है ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए जरूरी है कि एक कॉमन रेशियो होना चाहिए, इतना डिवाइडेड बाई इतना मस्ट इक्वल इतना डिवाइडेड बाई इतना, नहीं आ रहा है। दिस डिवाइडेड बाई दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर कट जाएगा बटे ए प्लस बी, इतना बचेगा ऊपर में एक ए रह जाएगा, और दिस डिवाइडेड बाई दिस कीजिएगा तो ए इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दीज आर नॉट इक्वल। तो अभी दिख नहीं रहा है कि ये ज्योमेट्रिक है, पर आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि हम लोग कुछ और पढ़े ही नहीं है सिवाय इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के अलावा, कोई इनफाइनाइट सीरीज नहीं पढ़े, तो यह ज्योमेट्रिक। तोड़ के देखिए दिखता है, ये टर्म ए स्क्वायर, यहां ए टू द पावर 4, यहां ए टू द पावर 6, इनको इकट्ठा कर लें एक सीरीज बना दें, प्लस दूसरा टर्म ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, दो हिस्सों में तोड़ दीजिए। अब आपको दिखेगा बोथ ऑफ द सीरीज आर ज्योमेट्रिक सीरीज, इसको हम एस वन कह दें, इसको एस टू, अलग अलग निकालते हैं एस वन। एस वन जीबी में है, पहले दिख रहा है आपको फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से गुना किए फिर उसको ए स्क्वायर से गुना कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 - कॉमन रेशियो। यही हम लोग फॉर्मूला निकाल के रटे हैं, प्रोवाइडेड ये फॉर्मूला यूज करने का जो कंडीशन है वो कंडीशन नहीं भूलिएगा, कंडीशन ये है कि जो कॉमन रेशियो लिख रहे हैं वो एक नंबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, फ्रैक्शन होना चाहिए, वो है ना, चूंकि ए दिया हुआ है मैग्नीट्यूड में एक से छोटा तो उसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो वो और छोटा नंबर हो जाता है, किसी फ्रैक्शन को अगर स्क्वायर कर दीजिए तो वो और छोटा नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, टू को स्क्वायर कीजिएगा तो बड़ा नंबर आएगा टू से,
4 को स्क्वायर कर दीजिएगा तो और बड़ा नंबर हो जाएगा 4 से, लेकिन फ्रैक्शन को स्क्वायर कीजिएगा तो और छोटा नंबर, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो और छोटा नंबर आता जाएगा। यही है फ्रैक्शन का स्वभाव। सो दैट इज द आंसर। कुछ सिंपल सिंपल सवाल हम लोग एचपी पे देखें। यहां लिखे हैं ए बी सी 3 नंबर एचपी में है, और जैसे ही देखते हैं ना ये स्टेटमेंट, तुरंत दिमाग में आना चाहिए अच्छा कि 1/A, 1/B, 1/C आर इन एपी, ए बी सी इन एचपी मींस दिस, विच मींस 2/B इक्वल्स 1/A प्लस 1/C, माने दिस माइनस दिस मस्ट इक्वल दिस माइनस दिस, विच मींस दिस। ये सब बात अभी पहले नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैथमेटिशियन को ये बात समझ में आना चाहिए, पहला स्टेटमेंट का मतलब ये सब बात दिमाग में है। सो इफ ए बी सी आर 3 नंबर्स इन एचपी, शो दैट एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है, LHS इक्वल RHS, प्रूफ करना है। तो हम लोग सीखे हैं 10वां क्लास में प्रूफ, कोई भी चीज को प्रूफ करने बोलते हैं। तो आप किसी एक तरफ से शुरू करते हैं, LHS से शुरू करें। LHS में लिखा है 1/B प्लस 1/C माइनस 1/A गुने 1/C प्लस 1/A माइनस 1/B। इसी को सिंप्लीफाई करते जाएं जब तक कि हम RHS तक नहीं पहुंच जाएं। मेथड्स ऑफ प्रूफ पढ़े हम लोग क्लास 10 में, हाउ टू प्रूफ समथिंग, दिस इज हाउ वी प्रूफ। जब प्रूफ करना होता है ना किसी चीज को, प्रूफ दिस इक्वल दिस, तो ध्यान देना पड़ता है कि क्या कहां तक जाना है हमको, किसी आर्बिट्रेरी दिशा में नहीं चल पड़ते हैं। देखिए क्या चीज करना है, लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में ए बी सी तीनों नंबर दिख रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में सी नहीं दिख रहा है। ओके, अब दिशा मिल गया, अब मैथमेटिशियन को समझ में आ गया कि उसको क्या करना है। उसको सिर्फ सी का वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट कर देना है, बस प्रॉब्लम खुद ब खुद बन जाएगा। यहां से हमको 1/C का वैल्यू 2/B माइनस 1/A इसी को पुट कर दें एंड द प्रॉब्लम विल डेफिनेटली बी सॉल्व। 1/B प्लस 2/B माइनस 1/A माइनस 1/A माइनस 2/A, इन दोनों को जोड़ करके 3/B इंटू 2/B माइनस 1/A प्लस 1/A कैंसिल आउट हो जाएगा और एक माइनस 1/B केवल 1/B रह जाएगा, और गुना करेंगे तो 3/B स्क्वायर माइनस 2/AB। यही प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ। आपका अच्छा मैथमेटिशियन होना बहुत महत्वपूर्ण है, उसका असर दिखेगा फिजिक्स में। जो ईज होगा ना प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो दिखेगा फिजिक्स में। इस सवाल को देखिए, यहां लिखे हैं इफ 3 संख्या एचपी में है, ए बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी आर इन एचपी, मतलब 2/C प्लस ए मस्ट इक्वल 1/B प्लस सी प्लस 1/A प्लस बी। सो दिस ट्रांसलेट्स इनटू दिस। आगे तो शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। एकमात्र ही एक बात दिया है, इसी को सिंप्लीफाई करते जाएंगे अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, यानी हमको आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई, यही सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा। और जब आ जाएगा तब हम समझ जाएंगे, बात खत्म हो गया। अब इसके बाद जो कुछ भी करेंगे वो काफी चाइल्डिश, इसी को हम इधर कंपोज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ कैंसिल आउट करेंगे और इवेंचुअली एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप आ जाएगा।
चलिए, बट वो चाइल्डिश चीज को भी अभी आपको करना है, बिकॉज अभी आप सब चाइल्ड ही हैं, यू आर स्टिल नॉट अ ग्रोन अप मैथमेटिशियन। इधर हम ऐड कर दें तो न्यूमरेटर में a प्लस टू बी प्लस सी बटे a प्लस बी इंटू बी प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें टू टाइम्स a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इक्वल्स इतना टाइम्स c प्लस a। हम दो स्टेप कर दिए, इन दोनों को कंबाइन करके एक फ्रैक्शन बनाए, डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, इसको उधर कर दिए। अब एक्सपेंड करके a इंटू सी प्लस a इंटू ए प्लस टू बी सी प्लस टू ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, ए सी दो बार है तो उसको हम टू ए सी कर देते हैं। राइट हैंड साइड टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सिंप्लीफाई हो गए। हम थोड़ा हैंडसम बनाने के लिए इकट्ठा करके लिख दे रहे हैं, इधर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को एक साथ, टू ए बी टू बी सी टू सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर इस तरफ गुना करें, ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए प्लस टू बी स्क्वायर यहां है लेफ्ट हैंड साइड, आप सबको दिख गया होगा लेफ्ट हैंड साइड टू बी स्क्वायर बचेगा और राइट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस ए। यहां लिखे हैं इफ सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एच पी इक्वल्स 11, तीन नंबर एच पी में है और उनका सम 11 है। अब तीन नंबर एच पी में क्या माने, देखिए क्या मान रहे हैं, वन बाई ए माइनस डी, वन बाई ए और वन बाई ए प्लस डी, थ्री नंबर्स इन एच पी। चेक कीजिए समझ में आया कि नहीं। हम पहले तीन नंबर एपी में मान लिए और उनका रेसिप्रोकल लीजिएगा तो उसी को एचपी बोलते हैं। तो तीन नंबर एचपी में है और उनका सम कहता है कि 11 है, तो पहला स्टेटमेंट को हम मैथमेटिक्स में लिख दिए। दूसरा स्टेटमेंट है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1, यानी a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज 1। बस दो बात बोला गया है, हम दोनों बात को मैथमेटिक्स में लिख दिए। अ क्वेश्चन है फाइंड बी थ्री नंबर्स, तो कितना अननोन्स है मेरे चॉइस में, दो अननोन है a और d, दो इक्वेशन है, अगर दोनों को सॉल्व करके हम a और d का वैल्यूज ढूंढ लें तो तीनों नंबर हम ढूंढ देंगे। ऐड करने से 3a बराबर a आ गया, यानी a का वैल्यू तो मिल गया 1/3। हम यहां डाल सकते हैं इस इक्वेशन में 1 बाई 3 माइनस डी प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस डी बराबर 11। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर पाए तो हम d का वैल्यू निकाल लेंगे। करते हैं सॉल्व, हम इन दोनों को सोचे हैं पहले ऐड करें, और ये 1/1/3 तो ये 3 है, इसको उस पार ले जाएंगे 8 लिख देंगे, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो डिनोमिनेटर 1/9 माइनस डी स्क्वायर दिस इनटू दिस, और न्यूमरेटर होगा दिस प्लस दिस यानी 2/3 बराबर 8। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 1/9 माइनस डी स्क्वायर बराबर 8 को इस तरफ ले आए, 2/3 इंटू 8 यानी 1/12 अर्थात डी स्क्वायर एड कर दे डी स्क्वायर और माइनस 1/12 एड कर दे दोनों तरफ, 12 माइनस 9 3/9 इंटू 12 3 इंटू 3 तो ये 1/36 हो गया, यानी डी का वैल्यू प्लस माइनस 1/6 आ गया। अब तीनों नंबर निकल जाएगा, एक नंबर है 1/
यही तीन नंबर हम माने थे इन एच पी, 1/3 माइनस 1/6, एक 1/3, एक 1/3 प्लस 1/6। अगर हम कॉमन डिफरेंस का वैल्यू प्लस 1/6 लेते हैं तो ये, माइनस लेंगे तो ई पहले लिखा जाएगा, ई बाद में, सीक्वेंस केवल पलट जाए। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 माइनस 3, 3/3 इंटू 6, 1/6, और ये 3, और ये 6 प्लस 3, 9/18, विच इज हाफ। या तो ये, या 2, 3, 6, यही तीन नंबर एचपी में है तीनों। इन तीनों का सम 11 है और इनके रेसिप्रोकल का सम 1 है। यही अगर कहता है कि देर आर 5 नंबर्स इन एचपी, तो उनको हम चुनते a माइनस 2d, 1/a माइनस d, 1/a, 1/a प्लस d, 1/a प्लस 2d, 5 नंबर्स इन एचपी। 4 नंबर्स अगर इन एचपी, 1/a माइनस d, 1/a प्लस d, a प्लस 3d और 1/a माइनस 3d। 4 नंबर्स इन एपी चुनने का तरीका हम लोग सीखे हैं, a माइनस d, a प्लस d, कॉमन डिफरेंस 2d रखते हुए चुनेंगे। यही हम लोग सीखे थे, 4 नंबर्स इन एपी चुनना हो। इसका रेसिप्रोकल लीजिएगा तो 4 नंबर इन एचपी। pth, qth, rth terms of HP are x, y, z। बस आगे हम लोग देखेंगे क्या लिखता है, जरा इस बात को आप मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं कि नहीं। अगर कोई एक हार्मोनिक सीक्वेंस है जिसका pth, qth, rth टर्म है x, y और कहीं पे z होगा, pth टर्म, qth टर्म, rth टर्म ऑफ HP, ये तीन संख्या है, समथिंग कॉमा, समथिंग डॉट, बड़ा सा सीक्वेंस। अगर इन सब को रेसिप्रोकल ले ले, इंप्लाइज 1/x, 1/y और 1/z, ये pth, qth और rth टर्म्स होगा कोई एक अरिथमेटिक सीक्वेंस का। यही डेफिनेशन है HP का, मतलब यही होता है। अगर इस अरिथमेटिक सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म को हम a माने और कॉमन डिफरेंस को d माने, लेट, तो इस स्टेटमेंट के अनुसार a प्लस p माइनस 1 टाइम्स d का वैल्यू 1/x है, a प्लस q माइनस 1 टाइम्स d का वैल्यू 1/y है, और a प्लस r माइनस 1 टाइम्स d का वैल्यू 1/z है। यही तीन बात वहां लिखा हुआ है। फिर से बोलते हैं, माने हम इंटरेस्टेड ही नहीं है सवाल में। सवाल पूछेगा ना ऐसा ही कुछ, ये दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, देयरफॉर ये निकाल दीजिए, यही ना होगा सारा सवाल। तो जो दिया हुआ है उसी को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? यानी आप ट्रू मैथमेटिशियन तब माने जाएंगे कि आप हैं जब उसको पचा पाए व्हाट इज गिवन। आपका ब्रेन जो है ना वो प्रोसेसर है, कान आपका इनपुट, मुंह से निकलता है आउटपुट और बीच में प्रोसेसिंग होता है। होशियार वो है जो इनपुट को चबा चबा के इनपुट जैसे ही गया वहीं से शुरू कर दीजिए प्रोसेसिंग, बाद में देखेंगे क्या प्रूफ करने बोला है। pth, qth, rth टर्म्स एक एचपी का है, यानी कि अगर इनका रेसिप्रोकल कर दें इन नंबर्स का, तो वो एक कोई ना कोई अरिथमेटिक सीक्वेंस का pth, qth, rth टर्म हो जाए। उसका हम फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d मान लें, तो दिस मीन्स दिस, दिस मीन्स दिस। अब क्या बोलता है देखते हैं। अब कहता है प्रूफ, शो दैट एक्स वाई गुने पी माइनस क्यू प्लस वाई जेड गुने क्यू माइनस आर प्लस जेड एक्स गुने आर माइनस पी का वैल्यू शून्य होगा। जो प्रूफ करना है उसको देखते रहिए थोड़ा देर,
इसमें ए और डी नहीं है, होगा भी नहीं। ए और डी तो आप माने हैं ना, बस अब आपको इन तीन इक्वेशंस में से ए और डी को एलिमिनेट करना है, अब चाहे जैसे भी कीजिए यही आंसर आ जाएगा। जैसे हम एक तरीका बताते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और डी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तीसरे में डाल देते हैं। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो पी माइनस क्यू टाइम्स डी बराबर 1/x - 1/y। सब्ट्रैक्ट करने से ए एलिमिनेट हो गया, डी का वैल्यू निकल गया, y माइनस एक्स बटे एक्स वाई डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू। अब अगर हम इस डी के वैल्यू को इसमें डाल दें किसी एक में भी तो हमको ए का वैल्यू निकल जाएगा। ए और डी के वैल्यू को हम तीसरे में डाल दें तो सवाल बन जाएगा ये पक्का। ए का वैल्यू भी निकाल के दिखाते हैं आपको, 1/x - p - 1 × d। डी का वैल्यू हम यहां पुट कर रहे हैं, वाई माइनस एक्स बटे एक्स वाई टाइम्स पी माइनस क्यू। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें y टाइम्स p माइनस q से ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। यहां y टाइम्स p माइनस q माइनस p माइनस 1 टाइम्स y माइनस x, और अब न्यूमरेटर को भी तो सिंप्लीफाई कर दें, जैसे पी वाई, अब पी वाई कैंसिल आउट होगा, यहां बचेगा एक माइनस क्यू वाई, यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस p इंटू वाई एक प्लस पी इंटू एक्स माइनस वाई इंटू माइनस प्लस वाई प्लस एक्स इंटू माइनस माइनस एक्स, इतना चीज बचेगा, और यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पी वाई माइनस क्यू वाई, तो पी वाई कैंसिल आउट हो गया और बचा इतना टर्म्स। हम इसमें से वाई वाला टर्म को इकट्ठा करके एक जगह लिख दें और एक्स वाले टर्म को इकट्ठा करके, तो पी माइनस 1 टाइम्स एक्स और 1 माइनस क्यू टाइम्स वाई, यहां लिख देते हैं p माइनस 1 टाइम्स एक्स प्लस 1 माइनस क्यू, या एक माइनस ले ले तो q माइनस 1 टाइम्स वाई, थोड़ा हैंडसम लगने के लिए p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 और डिनोमिनेटर एक्स वाई इंटू पी माइनस क्यू। अब a का वैल्यू निकल गया और d का वैल्यू निकल गया, अब ये दोनों को हम डाल दें थर्ड में, तो p माइनस 1 इंटू एक्स माइनस क्यू माइनस 1 इंटू वाई, यहां डाल रहे हैं सिर्फ एक्स वाई इंटू पी माइनस क्यू प्लस d का डिनोमिनेटर है एक्स वाई इंटू पी माइनस क्यू, न्यूमरेटर y माइनस एक्स है, r माइनस 1 से गुना करना है, r माइनस 1 इंटू वाई माइनस एक्स, जो कि इक्वल टू दिया हुआ है 1/z। अब इसको सिंप्लीफाई करके अब जो रिजल्ट आएगा वो इसके अलावा कोई रिजल्ट आ ही नहीं सकता है, यानी आप कुछ करते नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए, अपने आप वहां पहुंच जाइएगा। केवल आपको दिखना था कि इस रिजल्ट में क्या नहीं है या क्या है, जरूरी है यह जानना कि हमको ए और डी को एलिमिनेट करना था, देयर एंड्स मैथमेटिक्स। उसके बाद जो आप कर रहे हैं ये 10वां क्लास का बच्चा के लिए है, अरिथमेटिक। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर ऐड कर दें और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और फिर एक z से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स जेड वाई जेड और यहां z, बस अब होने ही वाला है। यहां पे इस तरफ दो टर्म मिलेगा, वाई जेड वाला टर्म और एक्स जेड वाला टर्म, तो वाई जेड वाला टर्म को इकट्ठा कर लीजिए, समथिंग इंटू वाई जेड और समथिंग इंटू एक्स जेड, तो अपने आप ये दोनों टर्म आ जाएगा विथ माइनस साइन,
सबको एक तरफ ले जाइएगा। थोड़ा सा लंबा लगा हमको, क्या इसको किसी प्रकार से कुछ शॉर्टकट कर सकते हैं? पहला चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको ए और डी को एलिमिनेट करना है। उसके बाद जो कुछ भी हम जगलिंग किए, जगलिंग हम इक्वेशंस के साथ जगल कर रहे हैं, ये दोनों में से सॉल्व किए फिर इसमें डाल दिए, दिस कॉल्ड जगलिंग। उसके लिए कोई ब्रेन नहीं चाहिए, फिर भी कहीं कुछ दिख जाए सिंपलर। जैसे हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो हमको एक रिलेशन आया था, p माइनस क्यू टाइम्स डी बराबर 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई विच इज y माइनस एक्स बटे एक्स वाई, यानी एक्स वाई टाइम्स इतना बराबर y माइनस एक्स। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किए तो ये रिलेशन आया। अगर हम सेकेंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करते तो क्या रिलेशन आता? यहां yz आता, q माइनस r आता इंटू डी, ए कट जाता, और राइट हैंड साइड z माइनस 1 बाई वाई माइनस 1 बाई z, तो राइट हैंड साइड z माइनस वाई। फर्स्ट और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करने से ये मिला, सेकेंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करने से ये मिला, अब फर्स्ट और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा? वो दिस माइनस दिस एक्स जेड इंटू पी माइनस आर टाइम्स डी इक्वल्स 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई जेड राइट हैंड साइड जेड माइनस एक्स। अगर हम दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्स माइनस जेड हो जाए। अब जरा देखिए, तो हमको जो चीज पूछा है एक्स वाई इंटू पी माइनस क्यू वाई जेड इंटू क्यू माइनस आर जेड एक्स इंटू आर माइनस पी, तीनों का सम चाहिए, तो ऐड कर दीजिए, डी कॉमन हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, एस बोल रहे हैं, और राइट हैंड साइड ऐड कीजिए तो जीरो है, वाई माइनस वाई माइनस एक्स एक्स, हेंस एस इक्वल्स जीरो बाई डी। सो दिस वॉज लिटिल स्मार्टर देन द प्रीवियस सॉल्यूशन। यहां लिखा है फर्स्ट एंड टू एन माइनस वन इट्स टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड हार्मोनिक सीक्वेंस आर सेम। माने कोई एक सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म मान लीजिए पांच है और n के जगह कोई एक हम नंबर, आपको समझाने के लिए सब कर रहे हैं, n के जगह हमको यहां पे नंबर ले लेते हैं 12, तो 23rd टर्म यानी a1 और a23 पांच और कुछ 75, ऐसे ही आर्बिट्री। देयर आर टू रियल नंबर्स से 5 एंड 75, और क्वेश्चन में लिखा है कि ये नंबर पहला टर्म है और ये नंबर 23वां टर्म है, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस का भी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का भी और एक हार्मोनिक सीक्वेंस का भी, यानी इसके अंदर इन दोनों के बीच में नंबर्स है, सच दैट दे फॉर्म एन एपी, सच दैट दे फॉर्म जीपी एचपी, हम ढूंढ सकते हैं उन सारे नंबर्स को, ढूंढ सकते हैं। जैसे हमको अरिथमेटिक सीक्वेंस ढूंढना है तो ढूंढ के देखते हैं तो सारे नंबर्स, ये पहला और ये 23वां, यानी बीच में 21 नंबर्स एग्जिस्ट करता है, 21 टर्म्स, 21 टर्म्स बीच में और दो को किनारे किनारे मिलके 23 टर्म, हमको ऑल 21 टर्म्स ढूंढना है, मान लीजिए यही क्वेश्चन है। तो अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो हमको सिर्फ कॉमन डिफरेंस मालूम हो जाए तो हम सब ढूंढ लेंगे, तो ढूंढते हैं। The 23rd term can be expressed as the first term plus 22 d's n minus 1. The 23rd or 21st term को अगर हम subtract कर दें और divide कर दें 22 से,
तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा 75 माइनस 5 70 बाई 22, इतना कॉमन डिफरेंस है। और अब हम सब टर्म को खोलते गए, एक टर्म 5 प्लस उतना, दूसरा 5 प्लस 2 टाइम्स उतना, तीसरा 21 टर्म, 23वां टर्म ढूंढिएगा तो ये मिल जाएगा। अगर हमसे कहे कि कोई की ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कंप्लीट कीजिए, तो हमको सिर्फ कॉमन रेशियो ढूंढना होता है, तो हम 23rd टर्म को लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर एन माइनस वन, और इस प्रकार 75/5 a23/a1 का वैल्यू निकालेंगे, उसका 22nd रूट लेंगे तो कॉमन रेशियो निकल जाएगा। ये 15 का 22nd रूट मींस एक ऐसा नंबर जिसको रेस करे टू द पावर 22 तो वो 15 के बराबर हो जाए, तो ही नंबर है ये, पता नहीं कितना। और अब हम सारा टर्म खोज देंगे, ये है 5 गुने इतना 15 टू द पावर 1/22, अगला है 5 गुने 15 टू द पावर 1/22 का स्क्वायर यानी 2/22, 5 टाइम्स 15 टू द पावर 3/22 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अगर कहिएगा कि एक हार्मोनिक सीक्वेंस क्रिएट कर दीजिए इन दोनों नंबर्स के बीच में, तो भी ढूंढ के दिखाते हैं। हम अगर मान ले ये हार्मोनिक सीक्वेंस है, तो इसका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक सीक्वेंस होना चाहिए, यानी 1/5 ये सब नंबर्स कुछ a2 a3 a1 a22 था, 1/a2 1/a3 1/75, अब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस हो जाएगा। तो अब इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लें, 1/75 को लिख सकते हैं 1/5 प्लस 22 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, इस अरिथमेटिक सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस n माइनस 1 टाइम्स की, इसका कॉमन डिफरेंस निकल गया 1/75 माइनस 1/5 /22, एक संख्या है, जो भी संख्या है, ये माइनस 70/5 गुने 75 गुने 22, यही टर्म आया। अब 1/5 में ऐड करेंगे ये नंबर, तो ये वाला नंबर मिलेगा, 1/a2 का वैल्यू निकल जाएगा 1/5 प्लस दिस नंबर विच इज माइनस 70/ जो भी है। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो आपको a2 निकल जाएगा। इसी तरह से आप 1/a3 का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1/5 में ऐड करेंगे 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, माइनस न्यूमरेटर में 2 × 70/, फिर ये नंबर निकाल के रेसिप्रोकल लेंगे। यानी इस तरह से आप हार्मोनिक सीक्वेंस को भी क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन में नहीं पूछा कि क्रिएट दी सीक्वेंस, क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट टर्म एंड द 23rd टर्म दे आर सेम फॉर सम अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक सीक्वेंस के लिए। अब कहता है कि उनका nth टर्म खोजिए, जो अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो nth टर्म है उसको a कह रहा है। इफ देयर nth टर्म्स आर a b c रेस्पेक्टिवली, यानी इस अरिथमेटिक सीक्वेंस का nth टर्म को a कह रहा है और उस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के nth टर्म को b कह रहा है, n कोई बीच में नंबर है, जैसे हम यहां n लिए थे 12, 2 × 12 − 1 लिखे थे, यानी 12th टर्म, तो 12th टर्म उस अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो होगा उसको कैपिटल ए कह रहा है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो बना उसका 12th टर्म को बी, और हार्मोनिक सीक्वेंस के 12th टर्म को अगर सी कहें तो शो दैट। हम तो जो क्वेश्चन दिए होंगे किताब में उसमें ऑप्शंस होगा, टिक करना होगा, आपको साबित करना है कि ए बी सी में ये बात सत्य होगा, द नंबर ए विल बी ग्रेटर देन द नंबर बी विल बी ग्रेटर देन द नंबर सी। और दूसरा साबित करना है कि ए गुने सी
बराबर होगा बी स्क्वायर के। लेट द फर्स्ट टर्म बी कॉल्ड अल्फा एंड 2n माइनस 1 टर्म बी कॉल्ड बीटा। अब हम अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाना है, अब उसका nth टर्म खोजना है, तो a 2n माइनस 1 और a1 में रिलेशन है, इतना प्लस इतना माइनस 1 टाइम्स d। अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रहे हैं, कॉमन डिफरेंस ढूंढिए, दिस माइनस दिस व्हिच इज बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2n माइनस 2। अब हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का nth टर्म चाहिए ए एन, जिसको कि कैपिटल ए नाम से पुकारना है, तो ए एन ढूंढ सकते हैं। अब हम अल्फा प्लस एन माइनस वन टाइम्स दिस, ये टू कॉमन लेकर के हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, एन माइनस वन टाइम्स कॉमन डिफरेंस, जो कि बचेगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बाई टू विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई टू। चलिए, बड़ी मेहनत करके हम लोग पता लगा लिए कि अगर कोई अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाते हैं आप अल्फा और बीटा के बीच में, ये पहला टर्म होना चाहिए और ये 2n माइनस 1 टर्म होना चाहिए, और तब उस सीक्वेंस का एक पर्टिकुलर टर्म बोला है nth टर्म ढूंढिए, तो वो हम लोग को आया अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ठीक बीचो बीच नंबर। अगर हम लोग थोड़ा सा अलर्ट होते तो ये बात पहले ही समझ में आ जाना चाहिए, क्यों? देखिए, ये फर्स्ट टर्म है और ये 2n माइनस 1 टर्म है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए, 2n माइनस 1 प्लस 1 बटे 2 वो n है, यानी कि nth टर्म जो बोल रहा है खोज में, वो एक्चुअली में इन दोनों टर्म का बीचो बीच वाला टर्म बोल रहा है। जैसे एग्जाम्पल ये था ना, मान लीजिए ये फर्स्ट टर्म है और 23rd टर्म, और हमसे कह रहा है कोई कि 12वां टर्म खोजिए, तो हम थोड़ा सा अगर हम अलर्ट होते तो हमको दिख जाता कि अच्छा, ठीक बीचो बीच वाला टर्म बोल रहा है। इधर देखिए 11 टर्म है, इधर भी 11 टर्म है, 11 11 22 और 31, तो द 12th टर्म इज एक्चुअली द मिडिल टर्म। तो दो नंबर अल्फा और बीटा के ठीक बीचो बीच वाला नंबर हमको मिल जाएगा, मिल गया अल्फा प्लस बीटा बाई। इसी प्रकार अब हम आपको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाते हैं अल्फा और बीटा के बीच, तो बीटा बराबर लिखेंगे अल्फा टाइम्स आर रेस टू द पावर एन माइनस वन टू एन माइनस वन माइनस वन टू एन माइनस टू विच इज टू टाइम्स एन माइनस वन, कॉमन रेशियो निकल गया इक्वल टू बीटा बाई अल्फा रेज टू द पावर ऑफ 1 बाई 2 टाइम्स एन माइनस। अब हम उस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का nth टर्म पूछा गया है, nth टर्म जो कि होगा फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो टू द पावर एन माइनस 1, यानी इस नंबर को रेज कीजिए टू द पावर ऑफ एन माइनस 1, वो हम लोग को एक्सपोनेंट्स का अलजेब्रा अगर याद हो, a रेस टू द पावर b रेस टू द पावर c है, a रेस टू द पावर b रेस टू द पावर c, इट इज सेम एज a रेस टू द पावर bc, तो आप इन दोनों को गुना कीजिएगा तो यहां सिर्फ बचेगा बीटा बाई अल्फा टू द पावर हाफ, विच इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कीजिए, न्यूमरेटर में बीटा टू द पावर हाफ है, डिनोमिनेटर में अल्फा टू द पावर हाफ है, गुने अल्फा, एक कट के यहां अल्फा टू द पावर 1 माइनस हाफ, यानी स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा, जिसको कह रहा है कि बी नाम से पुकारिए, ये भी एक्सपेक्टेड था। याद कीजिए हम लोग दो रियल नंबर ए और बी के बीच में एक नंबर अगर कहें कि इंट्रोड्यूस कीजिए सच दैट ये तीनों नंबर एक अरिथमेटिक सीक्वेंस फॉर्म करे, तो वो नंबर का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग रट के उसको a प्लस बी बाई टू अपने दिमाग में रख लिया। अगर एक नंबर ऐसा खोजिए सच दैट कि वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन जाए, वो नंबर खोजना होगा, वो नंबर
इस नंबर से थोड़ा छोटा नंबर मिलेगा, ए जी बी, तो जी बटे ए मस्ट इक्वल बी बटे जी, दैट इज द कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो हमको जी का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आया था, उसको हम लोग दिमाग में रटे थे, वैसा ही आ रहा है। अल्फा और बीटा के बीच में इस सवाल में 21 नंबर डालना है, उसमें से एक खास वाले को ढूंढना है, लेकिन जिस खास को ढूंढने के लिए कहा है हम उस मेहनत से बच सकते थे, प्रोवाइडेड कि हम नोटिस कर लिए होते कि अरे तो उस सीक्वेंस का मिडिल टर्म पूछ रहा है, तो हम आंसर जल्दी से लिख पाते। लेकिन आपको ये सब सीखना आवश्यक इसलिए है क्योंकि हम जरूरी है कि हर सवाल में नीचे वाला पूछे, हो सकता है कि हम सेकेंड टर्म पूछे उस अरिथमेटिक सीक्वेंस का फोर्थ टर्म, उस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फिफ्थ टर्म और उस हार्मोनिक सीक्वेंस का सिक्स्थ टर्म पूछे और कहें कि इन तीनों का सम का वैल्यू बताइए, ऐसे ही ना कुछ कुछ पूछेंगे बेवकूफ बनाने के लिए। तब आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस क्रिएट करने आना चाहिए, यानी कॉमन डिफरेंस ढूंढ करके अब ए फोर ढूंढने आना चाहिए। अब हम एक हार्मोनिक सीक्वेंस बना करके उसका एनथ टर्म ढूंढ के दिखाएंगे, जो कि कितना आएगा वो हम पहले से अब जान चुके हैं, वो आएगा वही ए और बी के बीच में 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा, ए और बी के बीच में एक ऐसा नंबर सच दैट एच, ताकि एक हार्मोनिक सीक्वेंस बने ए एच बी, मतलब कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बने, यानी कि 1/b-1/h मस्ट इक्वल 1/h-1/a। तो वो सॉल्व करने पर 2/h बराबर 1/a+1/b विच इज a+b/ab, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने पे हमको 2ab/a+b आ गया था। बट अभी हम निकाल के दिखाएंगे, हम मान लें कि अल्फा और बीटा के बीच में नंबर्स डाले 21, उनका रेसिप्रोकल लिए वो ap हो गया, तो 1/β=1/α+2n-1-1 d, उस ap का कॉमन डिफरेंस ढूंढें, तो आता है 1/β-1/α/2n-2, जिसको हम 2 times n-1 लिख दें। अब उसका nth टर्म जो इस ap का है उसको हम ए एन लिख रहे हैं, 1/an, हमको निकालना ए एन है, तो 1/an का वैल्यू 1/α+n-1 times this, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सिर्फ बचेगा 1/β-1/α/2 अब इन दोनों को कंबाइन करें, हाफ 1/β, इसको ऊपर नीचे हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से और एक हाफ से, तो हाफ कॉमन ले सकते हैं, 1/β-1/α+2/α, हम एक हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई, हाफ को कॉमन ले लिए, 2α-1α is 1α। अब इन दोनों को ऐड करें तो न्यूमरेटर हो गया अल्फा प्लस बीटा, डिनोमिनेटर अल्फा बीटा 2, और अब रेसिप्रोकल ले लें तो nth टर्म उस हार्मोनिक सीक्वेंस का मिल गया जिसको सवाल कहता है सी बोलने। उसके बाद तब हमको पूछा है चार ऑप्शन में से जो जो सही लगे, तो एक बार हम इस बात को देख लिए तब तो हमको याद ही है कि दिस नंबर इज लेस देन दिस और ये नंबर इस नंबर से छोटा, इक्वल टू तभी सबसे बड़ा नंबर ही होता है, उससे छोटा उससे भी छोटा। इक्वल टू क्यों लिखे हैं, ये तीनों संख्या बराबर भी हो सकता है, अगर अल्फा बीटा दोनों सेम नंबर्स होता तो आइडेंटिकल होता। और दूसरा प्रॉपर्टी भी याद था हमको कि ये तीनों संख्या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में होता है, यानी b बटे a इक्वल टू c बटे b के बराबर होता है, यानी b स्क्वायर का वैल्यू ac के बराबर। तो अगर ये बात दोनों बात याद था तो हमको कलम भी नहीं उठाना पड़ता, सिर्फ रियलाइज करना था कि अच्छा जो टर्म पूछे हैं वो एक्चुअली फर्स्ट और 2n-1 के ठीक बीचों बीच वाला टर्म पूछे। हम लोग जो इनइक्वालिटी सीखे हैं ना, am greater than equal to gm greater than equal to hm,
इस पे कभी कभार भूले भट के सवाल आईटी में आया है, बहुत कम इन कभी कभार आ गया है। जो जो सवाल सब आया है उसका एक संग्रह हम बना करके दिए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाले किताब में। तो अभी सिंपल कुछ इसका यूटिलिटी देख लें। 2 नंबर के लिए हम ये बात जानते हैं कि ट्रू है, दिखते हैं इस पे एक सवाल। एक फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स प्लस 1/x। हम इस फंक्शन को अलग से समझते हैं, उसका ग्राफ भी जानते हैं। ये एक्स फंक्शन का ग्राफ जानना मतलब आप एग्जैक्टली जानते हैं कि ये कौन कौन नंबर्स के लिए डिफाइंड है और ये क्या रिटर्न करता है। 0 डालने पर 0, 1 डालने पे 1, 2 डालने पे 2, -5 डालने पे -5, π डालने पे π। इस फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं। जो डालिए वही रिटर्न कर देगा, पहचान बना के रखता है, इनपुट का पहचान मेंटेन रहता है, इसीलिए इसका नाम है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी माने पहचान। और हम इस फंक्शन को भी जानते हैं, इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन जानते हैं कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 के लिए डिफाइंड है ये। और हम जानते हैं क्या रिटर्न करेगा, 5 डालने पर 1/5, 6 डालने पर 1/6, -2 डालने पे -1/2, 200 डालने पे 1/200। 1/200 रियल नंबर है ना, इसे डालने पर 200। इस फंक्शन को रेसिप्रोकल फंक्शन बोलते हैं। हम दोनों फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। अगर हम इधर वैल्यूज ऑफ इनपुट और इधर वैल्यूज ऑफ आउटपुट को हम अगर y नाम से संबोधित करें तो 0, 0, 1, 1, input 1, output 1, input 2, output 2, input 3। हम लोग इस ग्राफ को बनाना जानते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ y = x, slope 1, ये 45 डिग्री एंगल है, इसका स्लोप हो गया tan 45 डिग्री, यानी 1, and passing through the origin, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। और y = 1/x का ग्राफ, वो ग्राफ इस तरह का बनता है, जैसे जैसे x का वैल्यू बड़ा और बड़ा डालते जाइएगा, ये फंक्शन डिक्रीजिंग स्वभाव का है, छोटा और छोटा और छोटा होता जाता है फंक्शन का वैल्यू। वर्टिकल लाइन पे जो डॉट्स है वो नीचे आता जाता है। नेगेटिव नंबर्स का रेसिप्रोकल नेगेटिव होता है। ये दोनों फंक्शन ऑड फंक्शन है। कोई फंक्शन fx को हम कब कहते हैं इवन फंक्शन, जब नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए वही रिटर्न करता है वो जो पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए रिटर्न करते हैं, तो हम लोग इवन बोलते हैं। और जब नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए फंक्शन का वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए फंक्शन का वैल्यू में एक माइनस साइन का अंतर हो, तो हम ऐसे फंक्शंस को ऑड बोलते हैं। जैसे मोनोमियल्स में देखेंगे तो x², x⁴, x⁴, ……, ये सब इवन फंक्शंस। इनका ग्राफ में भी आपको इधर का ग्राफ मिरर इमेज जैसा दिखता है y एक्सिस के बाउंड। 2 पे वही वैल्यू आएगा फंक्शन का जो -2 पे, 3 पे वही जो -3 पे। और ऑड फंक्शंस x³ जैसे 2 पे वैल्यू आया 8, तो -2 पे आएगा -8। माइनस साइन का अंतर होगा, मैग्नीट्यूड सेम बट माइनस साइन का अंतर। तो ये दोनों ऑड फंक्शंस हैं। तो ऑड फंक्शन का ग्राफ जब बनता है ना, तो इस तरफ का ग्राफ अगर बन गया तो नेगेटिव हाफ में ग्राफ कैसा बनेगा, बस इसका मिरर इमेज लेते हैं और फिर उसका मिरर इमेज ले लेते हैं, पॉजिटिव हाफ में जो ग्राफ बनता है बस उसी को देख करके हम नेगेटिव हाफ में ग्राफ बना लेते हैं। तो हम x फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं और 1/x फंक्शन का भी ग्राफ बना सकते हैं, अलग अलग 2 ग्राफ। लेकिन हम एक फंक्शन बनाए हैं, दोनों को ऐड करके एक नया फंक्शन x + 1/x। तो इस फंक्शन का डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ये पूरा फंक्शन में कौन कौन नंबर्स आप लेके इस फैक्ट्री में घुस सकते हैं, 0 छोड़ के कुछ भी। कारण पता होना चाहिए आप क्यों ऐसा जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन जो हम बनाए हैं आपके लिए वो 2 फंक्शन को ऐड करके एक नया फंक्शन आपके सामने क्रिएट किए। तो उसमें से एक फंक्शन है जिसका दरवाजा खुला है, किसी भी रियल नंबर के लिए वो काम करेगा, बट दूसरा फंक्शन 0 के लिए छोड़ के सबके लिए काम करता है। तो पूरा फंक्शन, पूरा फैक्ट्री में 0 घुसना ही नहीं चाहिए।
और इसका एवरी डिफरेंट इनपुट के लिए हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. वन के लिए आउटपुट टू होगा, 1.2. टू के लिए आउटपुट 2.5 5/2 होगा. 3 के लिए आउटपुट 3+1/3 10/3 होगा. हम हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं. ग्राफ कैसा होगा, इन दोनों फंक्शंस को ऐड करना है, माने किसी भी वैल्यू ऑफ x पे, ये है इस फंक्शन का वैल्यू x फंक्शन का, और ये जो हाइट है वो है 1/x का हाइट. तो दिस प्लस दिस करके एक नया डॉट बनाना है. घसकते जाएंगे वर्टिकल लाइन, आप दिस हाइट प्लस दिस हाइट ऐड करके नया डॉट बनाएंगे, फिर दिस हाइट प्लस दिस हाइट, तो ग्राफ कैसा बनेगा. कैसा बनेगा का मतलब हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इस फंक्शन का स्वभाव इंक्रीजिंग स्वभाव है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग. जैसे जैसे हम इनपुट को बड़ा और बड़ा और बड़ा करते जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालेंगे, ये किस ऑर्डर में नंबर रिटर्न करेगा, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, यही सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होता है किसी भी फंक्शन के बारे में. जैसे आप जब सिर्फ एक्स फंक्शन का बात करते तो आप तुरंत कहते ना कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, जिसका मतलब हम समझ जाते हैं कि इफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालेंगे इनपुट तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा आउटपुट. हम 1/x के बारे में पूछते तो आप कहते कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालेंगे इनपुट तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिटर्न करेगा. तो इस फंक्शन के बारे में बताइए तो ये फंक्शन का स्वभाव कैसा है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग. जैसे एक्स स्क्वायर फंक्शन का स्वभाव पूछेंगे तो आप बताएंगे ना कि माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में इस इंटरवल में डिक्रीजिंग स्वभाव का है. आप इनपुट बड़ा और बड़ा और बड़ा कर रहे हैं, आउटपुट छोटा और छोटा और छोटा होगा, एंड जीरो ऑनवर्ड्स अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग स्वभाव का होगा. किसी भी फंक्शन के एनालिसिस में या फंक्शन का समझ है कि नहीं हमको, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. अब साइन फंक्शन के बारे में पूछेंगे तो इंटरवल्स में इंक्रीज डिक्रीज करता है, -π/2 से π/2 के बीच में इंक्रीज, फिर π/2 से 3π/2 के बीच में डिक्रीज, एंड सो ऑन. ये सबसे महत्वपूर्ण समझ चाहिए फंक्शंस के बारे में. एक्स क्यूब फंक्शन का स्वभाव क्या है, तो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. बताया जाता है उसका डॉट वाई कोऑर्डिनेट यहां, फिर अगला वाई कोऑर्डिनेट, फिर अगला एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब बढ़ाते जाइए वर्टिकल लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन भी ऊपर उठता चला जाता है. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. इसका ग्राफ कैसा होगा अभी तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब तक नहीं बता पाइएगा कि ये इंक्रीजिंग स्वभाव का है कि डिक्रीजिंग, ग्राफ नहीं बढ़ेगा. कि आप जब जीरो के निकट कैलकुलेट करते हैं ना, ये हाइट प्लस इतना हाइट, तो जोड़ करके एक लार्जी वैल्यू होगा. जीरो के निकट होइएगा तो ये बड़ा लार्ज नंबर रिटर्न करेगा, ये तो छोटा नंबर रिटर्न करेगा, बट छोटा प्लस बड़ा जोड़ के कोई लार्ज ही नंबर होगा. फिर थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा, उसका वैल्यू वो डॉट यहां आ गया, खैर जुट करके अगला डॉट नीचे आ जाएगा. क्यों, क्योंकि आप जब एक्स के वैल्यू को इंक्रीज किए तो ये अपना नंबर इंक्रीज करके रिटर्न किया, लेकिन अब ये पहले से छोटा नंबर रिटर्न किया और काफी छोटा, माने देयर इज अ ह्यूज ड्रॉप. ये वैल्यू में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ, आप दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, एक बड़ी तेजी से गिर रहा है और एक थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो दोनों का जो सम निकालिएगा अगला, वो पहले से छोटा आएगा, छोटा फिर और छोटा, लेकिन एक पॉइंट के बाद उल्टा हो रहा है बात. ये बड़ा, ये जितना इंक्रीमेंट होता है, अब ये स्लोप जेंटल हो गया है, अब उतना स्टीप नहीं है ग्राफ, ये काफी स्टीप था. थोड़ा थोड़ा भी एक्स बदलने से बहुत बहुत का ड्रॉप होता है, एकदम स्टीप ग्राफ. लेकिन अब उल्टा हो रहा है, काफी काफी अब एक्स बदलेंगे, थोड़ा सा इसका वैल्यू घटेगा, लेकिन उसके तुलना में
ज्यादा से बढ़ेगा तो दोनों का सम बढ़ने लगेगा। ये सब बात हम लोग सीखेंगे कैलकुलस में। अभी केवल एक रफ ग्राफ बना के दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। इन दोनों को ऐड करके ग्राफ बनाते हैं तो x इक्वल टू वन पे, जहां पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, x इक्वल टू वन पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करता है। सॉल्व करके देख सकते हैं x फंक्शन और 1 बाई एक्स फंक्शन का वैल्यूज सेम कम होता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन यानी x इक्वल टू प्लस माइनस वन। देर आर टू पॉइंट्स जहां पे इंटरसेक्शन होता है, एक x इक्वल टू वन पे और एक x इक्वल टू माइनस वन पे, दोनों फंक्शन का हाइट सेम हो जाता है, दोनों फंक्शन का ग्राफ सेम हो जाता है। तो x इक्वल टू वन पे दोनों का हाइट 1 प्लस 1 टू हाइट पे ग्राफ होगा, बाकी समय डिक्रीज करता है और यहां के बाद फिर इंक्रीज करने लगता है। और नेगेटिव हाफ में जो ग्राफ होगा, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है x प्लस 1 बाई x, तो एफ एक्स मान लें, तो आप एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं, x के जगह माइनस एक्स डाल दीजिए थ्रू आउट, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी आपको ये पता चला कि इसमें x के जगह 5 डालिएगा तो जो नंबर ये रिटर्न करेगा, जब x के जगह माइनस 5 डालिएगा तो वही नंबर आएगा विथ माइनस साइन। 5 डालने पे 5 प्लस 1 बटे 5 26 बटे 5, और माइनस 5 डालने पे माइनस 5 प्लस 1 बटे माइनस 5, माइनस कॉमन हो जाएगा और माइनस 26 बटे 5 आएगा। आप ये साबित किए कि ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन है, ऐसे साबित किया जाता है, लेट एफ एक्स इक्वल टू देन एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू इतना विच इज इक्वल टू। तो इसका नेगेटिव हाफ में ग्राफ बनाने के लिए यही ग्राफ को कॉपी कर लीजिए, पहले मिरर इमेज वाई एक्सिस में, आप उसका कॉपी करके एक्स एक्सिस में ये ग्राफ है। इस फंक्शन का पॉजिटिव साइड में जो लीस्ट वैल्यू है वो है 2, जो कि x इक्वल टू 1 डालने पर रिटर्न है। इसमें अगर आप 0 से डालना कीजिए, नंबर डालना शुरू कीजिए, 0 के निकट नंबर डालिएगा तो इन्फिनेटली लार्ज नंबर आएगा। ये छोटा नंबर होगा, ये बहुत बड़ा जुट करके बड़ा नंबर। जैसे जैसे आप x के वैल्यू को बड़ा और बड़ा कीजिएगा, नंबर अब छोटा आने लगेगा। 1 डालिएगा तो अब 2 आ जाएगा, उसके बाद जब नंबर डालिएगा 2, 3 बड़ा, अब नंबर फिर पढ़ने लगेगा। इसीलिए पहले घटता है ग्राफ और फिर बढ़ता है। आपको यही साबित करना है कि इस फंक्शन का पॉजिटिव साइड में लीस्ट वैल्यू 2 है, 2 से छोटा हो ही नहीं सकता है इसका वैल्यू, यही प्रूफ करना है। और देखिए हम लोग कैलकुलस स्टेप सीखेंगे तब इस बात को ऐसे साबित करेंगे कि कोई भी जो ग्राफ होता है ना, जहां पे भी फंक्शन का वैल्यू लीस्ट या ग्रेटेस्ट होता है ऐसा ग्राफ बनता है, तो जहां भी फंक्शन का वैल्यूज मैक्सिमा या मिनिमा जाता है, ये वो स्थान होता है जहां पे स्लोप 0 होता है। कोई भी फंक्शन जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स फंक्शन है, इस ग्राफ पे अगर हमको किसी भी जगह स्लोप निकालना है, किसी भी x इक्वल टू हाफ पे, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 2 पॉइंट पे, कहीं पे भी टेंजेंट का स्लोप जानना है, यानी फंक्शन के बदलने का दर जानना है, df बाई dx का वैल्यू एट एनी पॉइंट हमको जानना है, तो वी नीड अ डेरिवेटिव फंक्शन। इस फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन क्या होगा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एच एस के लिए तो सिंबल ऐसा ही है, और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 1 होगा, सेकेंड टर्म था x टू दी पावर माइनस 1, तो उसका डेरिवेटिव वो हम लोग रटे हुए हैं, x टू दी पावर n टाइप का कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हो, n रैशनल नंबर, तो उसका डेरिवेटिव तुरंत बताना आया है n टाइम्स x रेस टू दी पावर n माइनस 1। तो 1 बाई एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन पूछ रहे हैं, तो बोलेंगे माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1 माइनस 1
यानी माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर, यह है इस फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन। यानी इस ग्राफ पे किसी भी जगह स्लोप निकालना हो ना टेंजेंट का, तो यूज दिस फंक्शन। एक्स इक्वल टू हाफ पे चाहिए, यहां पे एक्स इक्वल टू हाफ, तो डालिए एक्स की जगह हाफ, तो वन माइनस वन बाई वन बाई फोर, तो स्लोप एट एक्स इक्वल टू हाफ ऐसे लिखते हैं, एफ प्राइम एट हाफ बोलते हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये वन माइनस फोर हो गया और ये माइनस थ्री स्लोप आया नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप मतलब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है वहां पे, एक्स के बढ़ने के कारण डीएक्स डीएफ बाई डीएक्स नेगेटिव, मतलब डीएफ इज नेगेटिव, इफ एक्स इंक्रीजेस देन फंक्शन डिक्रीजेस, यही मतलब। हम अगर एक्सप्रेशन को इस प्रकार लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, इसको फैक्टराइज कर लें एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो हम इस फंक्शन का साइन स्कीम बना सकते हैं, ये बता सकते हैं ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव कब जीरो। तीन फैक्टर दिख रहा है एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन और स्क्वायर ऑफ एक्स, ये अपना साइन चेंज करता है माइनस वन पे, ये एक्सप्रेशन साइन चेंज करता है वन पे, और ये एक्सप्रेशन अपना साइन कभी नहीं चेंज करता है एक्स स्क्वायर। हमको इसका साइन स्कीम बनाना हो तो यही करते हैं हम लोग। अब हम देख के बता सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में वन से बड़ा कोई भी नंबर डालिए एक्स के स्थान पे, डाल के देखिए, तो ये पॉजिटिव वैल्यूज रिटर्न करेगा, ये भी पॉजिटिव और ये तो हमेशा पॉजिटिव, यानी पूरे फंक्शन का वैल्यूज पॉजिटिव रहेगा फॉर एनी एक्स ग्रेटर देन वन, यहां माइनस यहां प्लस। खैर अभी हम जीरो ऑनवर्ड्स जानना चाहते थे ना, इस एक्सप्रेशन में हम एक्स के जगह जीरो से लेके वन के बीच में कोई भी नंबर डालेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यूज रिटर्न करेगा, यानी आप ये समझ गए कि एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू वन के बीच में पूरा ग्राफ डिक्रीजिंग स्वभाव का होगा, नेगेटिव स्लोप मींस डिक्रीजिंग, और एक्स इक्वल टू वन से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर डालेंगे इस फंक्शन में तो पॉजिटिव वैल्यूज रिटर्न करेगा, यानी आप समझ गए पॉजिटिव स्लोप यानी इंक्रीजिंग। तो आप लीस्ट वैल्यू कहां पे एग्जिस्ट करेगा, वहीं पे जहां पे स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, यानी फंक्शन का ग्राफ डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होना शुरू होता है, वही पॉइंट होगा ना जहां पे फंक्शन का वैल्यू लीस्ट होगा। तो आप इसी साइन स्कीम से देख के समझ जाते हैं फंक्शन का जो डेरिवेटिव फंक्शन है उसी का साइन स्कीम, साइन ऑफ एफ प्राइम। ये कैलकुलस का अंत है जो हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए सीखे हैं। यही हमको सिखाना है कि कोई फंक्शन दे दें और हम पूछे कि उसका लीस्ट वैल्यू कितना होगा, तो पहले तो ये पता लगाना होगा ना कि कहां पे होगा लीस्ट वैल्यू, एक्स इक्वल टू कितना, तब ना आप फंक्शन का लीस्ट वैल्यू अब एक्स इक्वल टू वन डालिएगा और साबित हो गया कि फंक्शन का वैल्यू लीस्ट होगा टू, टू से कम नहीं होगा। बट हाउ डू वी फाइंड दैट पॉइंट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढ लीजिएगा तो इसमें डाल के वाई कोऑर्डिनेट ढूंढ लीजिएगा, बट एक्स कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढिएगा, दिस इज हाउ वी फाइंड। एक सिंपल स्टेटमेंट है साइन ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, पूरा कैलकुलस का ये निचोड़ है। अगर आप किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन निकाल लिए, इसका साइन स्कीम बनाना अगर आप सीख गए, तो जिस किसी पॉइंट पे स्लोप आपको दिखे नेगेटिव से पॉजिटिव होते हुए, नेगेटिव स्लोप माने डिक्रीजिंग, पॉजिटिव स्लोप माने अब इंक्रीजिंग, और जहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा हो, पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव स्लोप, वहां मैक्सिमा है। था भी ग्राफ याद कीजिए, पॉजिटिव हाफ वाला ग्राफ ऐसा था और नेगेटिव हाफ वाला ग्राफ ऐसा था, एक्स इक्वल टू माइनस वन पे देर इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलते हैं, पहाड़ का चोटी, और x इक्वल टू वन पॉइंट पे देर इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। खैर हम सिर्फ पॉजिटिव हाफ में इंटरेस्टेड थे जानने में कि फंक्शन का लीस्ट वैल्यू कितना होगा, दैट वाज द क्वेश्चन। तो कैलकुलस में अगर इस सवाल को हम लोग बना रहे होते, पूछते, तो
तो किसी भी फंक्शन का हम लीस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू सब पूछें तो आपको पहले वो पॉइंट्स खोजना होता है जहां पर स्लोप अपना साइन चेंज कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है स्लोप, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप, वहां मिनिमा होगा, और कहीं अगर पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव स्लोप हो रहा होगा तो वहां मैक्सिमा होगा। इसी को देख करके आप बता सकते हैं कि दिस इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। चूंकि हम इधर ही इंटरेस्टेड हैं, इधर इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो इसमें एक ही पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मतलब ग्राफ पे कई पॉइंट्स ऑफ मिनिमा हो सकता है जहां जहां स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसमें एक ही पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मतलब वहीं पे फंक्शन का वैल्यू लीस्ट होगा एंड हेंस द आंसर। बट अगर हम कैलकुलस नहीं जानते हैं, जो कि हम लोग अभी नहीं जानते, तो हम इस इनइक्वालिटी की मदद से कितना सिंपली हम इस सवाल का जवाब दे सकते थे। x प्लस वन बाई एक्स, इसी का ना लीस्ट वैल्यू बताना है। हम लोग को यह इनइक्वालिटी के अनुसार पता है कि किसी भी दो पॉजिटिव नंबर्स के लिए यह इनइक्वालिटी ट्रू है, सर नेगेटिव नंबर्स के लिए नहीं है। 5 और 7.2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए, गुना करके स्क्वायर रूट लीजिए, निश्चित रूप से यह संख्या उससे बड़ा होगा, हम लोग साबित करके कन्विंस्ड कर लिए हैं अपने आप। अगर ये बात सत्य है तो दिस प्लस दिस बाई टू का वैल्यू निश्चित रूप से बड़ा होगा इतना से, और ये तो वन हो गया, यानी हम साबित कर दिए कि दिस प्लस दिस का वैल्यू चाहे कोई भी पॉजिटिव नंबर लिखा हो एक्स के स्थान पर, ये दो से बड़ा। देखें इस सवाल को, तीन नंबर ए बी सी दिया है, तीनों पॉजिटिव रियल नंबर्स है। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी ग्रेटर देन जीरो, लिखने का मतलब ये तीनों संख्या अलग अलग तीनों पॉजिटिव है, ऐसा लिखते हैं। मैंने हम ऐसे भी लिख सकते थे ए ग्रेटर देन जीरो कॉमा बी ग्रेटर देन जीरो एंड सी ग्रेटर देन जीरो, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भाषा क्लियर होना चाहिए, ईच वन ऑफ देम इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। If show that this a plus b बटे c plus this का वैल्यू 6 से बड़ा होगा, प्रूफ कीजिए। सवाल को देख के समझ जाना है कि ये उसी इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। हम LHS से शुरू कर रहे हैं, LHS को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। वैसे तीन नंबर के लिए भी ये बात ट्रू है, a plus b plus c by 3 का वैल्यू निश्चित रूप से ग्रेटर देन होता है ए बी सी का क्यूब रूट से। हाँ, मतलब हमको देखना होगा, अभी यहां पे लेफ्ट हैंड साइड तीन नंबर लिखा है तो उतना प्लस उतना का वैल्यू निश्चित रूप से 3 से मल्टीप्लाई कर दे, अगर बड़ा होगा 3 टाइम्स इन तीनों का प्रोडक्ट का क्यूब रूट से, तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है ना। पिछली बार फायदा हुआ था x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 2 टाइम्स इतना से, तो फायदा ये हो गया था कि ये दोनों कैंसिल आउट हो करके एक नंबर आ गया था, यही फायदा था, नहीं तो ये कोई काम का नहीं होता इनइक्वालिटी। यानी ये इनइक्वालिटी कोई रामबाण नहीं है कि आप हर समय चला दीजिएगा काम चल जाएगा। ये सिचुएशन ऐसा था कि ये जो दो नंबर लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ था इनका प्रोडक्ट यहां लिखना था ना, ए प्लस बी is greater than equal to 2 times root of their product, तो ये एक नंबर आ गया, some fixed number। तो यहां पे अभी इन तीनों को add कर देंगे और 3 से divide कर देंगे, उससे बड़ा कर देंगे, useless, not going to help। थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं हम, इसको decompose करते हैं। यहां एक fraction दिख रहा है a बटे c और यहां एक c बटे a, यहां b बटे c और एक c बटे b और एक b बटे a और a बटे b। अब बन गया बड़ा सवाल, यहां पे एक नंबर है और यहां उसका रेसिप्रोकल है। अब कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल का जो सम है वो हम जानते हैं, यहां a b c के जगह पे जो मन सो डालिए, क्वेश्चन के अनुसार यहां a b c के जगह पे जो मन सो डालिए, इस फैक्ट्री में डालिए a बराबर 5 b बराबर 6 c बराबर 9, आपको एक नंबर रिटर्न करेगा।
कुछ नंबर आई डोंट नो क्या, फिर आप ए के जगह डाल दिए 0.3, बी के जगह 1.2, सी के जगह 9.6, जो मन सो डालिए, फिर एक नंबर आए। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, सब डालिए लेकिन किसी भी स्थिति में ये सम 6 से बड़ा आएगा, यही प्रूव करने बोल रहा है। अब हम लोग का जवाब क्लियर है, क्योंकि दिस प्लस दिस रेसिप्रोकल है दूसरे का, हम इन दोनों के बारे में पक्का कह सकते हैं दिस प्लस दिस का वैल्यू निश्चित रूप से बड़ा होगा 2 times स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, जो कि फायदा हो गया। यानी इसका वैल्यू तो जो मन भी डालना हो ए और सी, वो 2 से बड़ा ही आएगा नंबर, ये भी नंबर 2 से बड़ा रेसिप्रोकल है। अभी जस्ट सीखे हैं कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एनी 2 numbers का वैल्यू निश्चित रूप से बड़ा होगा 2 times द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। कोई भी 2 real number ले लीजिए, 5 और उसका रेसिप्रोकल 1/5 और ऐड कीजिए तो 2 से बड़ा आएगा, 1.7 और उसका रेसिप्रोकल ऐड कीजिए 2 से बड़ा आएगा। तो हम लोग इस बात को अगर सीख गए हैं तो इसका वैल्यू 2+2+2 6 से बड़ा होगा हमेशा। समाप्त आज के लिए हम लोग यही करते हैं।